Sir, and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss General Financial Rule 2017, Part 1. It is Rule 142 to 150, but after amendment, it is the latest one. Already, I brought this video in past, but now, certain things is modified. Then after modification, now I bring this video. So my friends, please subscribe my channel Asit Governmental Guru, share my video, like my video, and also comment my video. In subsequent time, I will bring some videos which would be useful for you. So my friends, now I am going to start GFR 2017 Part 1, Rule 142 to 150. It is related to the procurement of goods. GFR Rule 142, the general rules of GFR applicable to all ministries or departments regarding procurement of goods required for use in the public service. Iske upar question aa sakta hai. Basically jo Rule 142 hai, General Financial Rule 2017, all ministries or departments wo गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस. ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को आपको याद रखना है, रूल 142, राइट. चलो देन चलेंगे जीएफआर रूल 143, डेफिनेशन ऑफ गुड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें फर्स्ट वन रूल के ऊपर आता है कि इन बेसिकली इन व्हिच रूल ऑफ जीएफआर 2017 गुड्स आर डिफाइंड. तो ये रूल 143 आपको याद रखना है. अभी हम देखेंगे क्या क्या गुड्स में इंक्लूड होगा और क्या क्या गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा. द टर्म गुड्स यूज्ड इन दिस चैप्टर इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स इंक्लूड होगा, मटेरियल्स, कमोडिटी, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, फिक्स्चर्स, रॉ मटेरियल, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, मेडिसिन, रेलवे असेंबलीज, रेलवे रोलिंग स्टॉक, राइट, रेलवे रोलिंग स्टॉक, असेंबलीज, सब असेंबलीज, एक्सेसरीज, तो ये सब आता है. ग्रुप ऑफ मशीनरीज कंप्राइजिंग ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस और सच अदर कैटेगरी ऑफ गुड्स और इंटेंजिबल्स. इंटेंजिबल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो सर्विसेज पार्ट में सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पैटेंट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये सभी गुड्स में आएगा. मगर यहाँ पर आप देख लीजिए एक सेंटेंस, बट एक्सक्लूड्स बुक, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी. ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा. ओके, जो बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स लाइब्रेरी के लिए, ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को याद रखना है. देन द टर्म गुड्स आल्सो इंक्लूड्स वर्क्स एंड सर्विसेज, ओके, व्हिच आर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस. ये भी गुड्स में इंक्लूड होता है. तो अभी हम देख लिया कि गुड्स में सभी कुछ इंक्लूड होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और वहाँ पर जो है जैसे पैटेंट राइट, ओके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब इंक्लूड होता है. मगर जो लाइब्रेरी के लिए बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स, ये इंक्लूड नहीं होगा. तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर है. रूल 144, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स. तो उसमें क्या क्या प्रोसीज्योर है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच प्रोसीज्योर द प्रोक्योरिंग एंटिटी बेसिकली प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या गाइडलाइंस है इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर. तो फर्स्ट वन रूल 144 को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कस किया है. चलो फर्स्ट देखेंगे
every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement. ये बहुत important है. जिस authority के पास financial power है, delegation of financial power, उसका responsibility है कि public interest से जो भी goods procure किया जाएगा उसमें efficiency, economy and transparency रहेगा. जो goods को procure किया जाएगा बहुत transparently procure किया जाएगा, इकोनॉमिकल होगा, रीजनेबल प्राइस में प्रोक्योर किया जाएगा. पर एफिशिएंसी बेसिकली क्वालिटी को चेक करना है. तो ये एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान देना है. ओके, जिस जो अथॉरिटी है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गुड्स प्रोक्योर किया जाएगा बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी रहेगा और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगा. और अथॉरिटी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, तो वो रीजनेबल प्राइस में होगा और बहुत ट्रांसपेरेंटली प्रोक्योर किया जाएगा. और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा बीडर को, बहुत ट्रांसपेरेंटली दिया जाएगा. और बेसिकली जो भी गुड को प्रोक्योर किया जाएगा उसका क्वालिटी भी रहेगा, राइट. तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो नेक्स्ट, फॉर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वल ट्रीट किया जाएगा सप्लायर्स को और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सप्लायर्स को, किसको अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जाएगा. और नेक्स्ट वन, जैसे कंपटीशन होगा, बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन आएगा, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा. तो ऑल द सप्लायर्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड हाउ टू प्रमोट कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑल्सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी. ओके, ही आर सी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट द कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. सो ज़्यादा से ज़्यादा बीडर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीडर्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए वो अप्लाई करेंगे, राइट. तो कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए और कोई भी इट मीन्स सप्लायर को मिसट्रीट नहीं किया जाएगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा. जब हम कोई बीडर को सिलेक्ट करते हैं और जिस बीडर को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ठीक, राइट. तो प्रोसीजर्स को चलेंगे. फर्स्ट वन, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग यार्डस्टिक्स. फर्स्ट वन, बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनेरिक एंड मेजरेबल एंड स्पेसिफाइड टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली किस उद्देश्य से हम गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, बेसिकली पब्लिक जो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, बेसिकली जेनेरिक, इसमें कोई जो भी गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा उसका ऐसा पर्टिकुलर लोगो नहीं होगा, कि ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए. और टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. तो ये चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है. तो मेन मोटिव है कि क्वालिटी को देखा जाएगा, उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नेम और लोगो को नहीं देखा जाएगा, इसके लिए जेनेरिक मेंशन हुआ है. और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, वो भी रिकॉर्डेड होगा. तो ये फर्स्ट गाइडलाइन है. सेकेंड वन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है. नॉट इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड. तो जैसे बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, जब बीड इन्वाइट किया जाएगा, कि जब हम बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, तो इसमें पर्टिकुलरली ऐसा मेंशन नहीं होगा इसी तरीके का ट्रेड का गुड चाहिए, ट्रेडमार्क का गुड चाहिए, कि ट्रेड नेम का गुड चाहिए, कि इस तरीके का ब्रांड का गुड चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. जब हम आई पिन्स बीडर्स को इन्वाइट करेंगे,
और उस बी बेसिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि इस तरीके का ट्रेडमार्क का गुड़ चाहिए, कि ट्रेड नेम का गुड़ चाहिए, कि इस तरीके का ब्रांड का गुड़ चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। द स्पेसिफिकेशंस इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी टाइप एटसेट्रा एज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड सो बी क्लियरली स्पेल्ड आउट कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द प्रोक्योरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब स्पेसिफिकेशंस देखेंगे उसमें क्वालिटी को ध्यान देंगे और टाइप को ध्यान देंगे और कितना क्वांटिटी का गुड्स को हम प्रोक्योर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी फर्स्ट डिटेक्ट करेगा कि किस तरीके का क्वालिटी का गुड़ चाहिए और कितना क्वांटिटी का गुड़, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से क्या है फिर कैरिंग कॉस्ट लगेगा, ओके, उसका जो एक्यूमुलेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसके लिए जितना चाहिए उतना ही क्वांटिटी का गुड़ को प्रोक्योर किया जाएगा। और ये भी क्लियरली स्पेल्ड आउट, इट मीन्स रिकॉर्डेड होना चाहिए कि इस तरीके का क्वालिटी का गुड़। तो जब हम बेसिकली बीडिंग इन्वाइट करेंगे, बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये सब मेंशन होगा गाइडलाइंस कि हमको इस तरीके का क्वालिटी का गुड़ चाहिए, इस प्राइस में हमको गुड़ चाहिए, कि इस तरीके का टाइप का गुड़ चाहिए, राइट, और इतना क्वांटिटी का गुड़ चाहिए, ये पूरा मेंशन होना चाहिए। केयर ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड इन्वेंटोरी कैरिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जब बेसिकली एक प्रोक्योरिंग एंटिटी, वो एक पब्लिक प्रोक्योरिंग एंटिटी जब गुड़ प्रोक्योर करता है तब उसको फर्स्ट फिक्स करना है कि कितना क्वांटिटी का गुड़ प्रोक्योर किया जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द नीड द गुड़ द गुड्स शुड बी प्रोक्योर्ड, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारा नीड के हिसाब से हम गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा क्योंकि फिर वो एक्यूमुलेशन कॉस्ट लगेगा, क्योंकि ज़्यादा गुड़ हो जाएगा उसको हम एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, उसमें कैरिंग कॉस्ट लगेगा तो पेकुनियरी लॉस होगा गवर्नमेंट को, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फॉलोइंग ए फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीज्योर, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि जब हम बेसिकली बिडिंग के लिए हम इन्वाइट करेंगे तब हमको बेसिकली ये ध्यान देना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा बिडर को उसमें बहुत फेयर, बहुत ट्रांसपेरेंटली हम बिडर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो जो बिडर को हम सिलेक्ट करेंगे उसमें फेयरली हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और एक जो रीजनेबल प्रोसीज्योर है वो प्रोसीज्योर को हम फॉलो करके ही फाइनली हम बिडर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, राइट। चलो नेक्स्ट प्रोसीज्योर, द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड बी सैटिस्फाइड दैट द सिलेक्टेड ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये पार्ट बहुत क्लियर है कि जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई होना है कि हमको इतना गुड्स हमको प्रोक्योर करना है, ठीक है, पब्लिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए और वो बेसिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करना चाहिए जो जो गुड्स हम प्रोक्योर करना चाहते हैं और कितना क्वांटिटी का, कौन सा क्वालिटी है, सब पूरा मेंशन होना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट इट मीन्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज गोइंग टू प्रोक्योर, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इट मीन्स ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट वन, द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल, हाँ ये प्राइस के ऊपर है, प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी रिक्वायर्ड। तो ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है कि हम जो भी गुड्स को प्रोक्योर करेंगे रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि ज़्यादा प्राइस होगा तो वो गवर्नमेंट को लॉस होगा, तो रीजनेबल प्राइस हम प्रीवियस ईयर हम हमारा वेबसाइट को जाएंगे कि कौन सा प्राइस से हम उसी गुड को हम प्रोक्योर किए थे उसको देखना चाहिए, और कोई ई कॉमर्स साइट से हम वो गुड्स का प्राइस को डिटेक्ट करेंगे। तो जो भी है हम जो क्वालिटी का गुड़, हमको तो क्वालिटी का गुड़ चाहिए मगर रीजनेबल प्राइस में चाहिए, और ये भी गाइडलाइंस में मेंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट द कंसर्न्ड प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन प्रिसाइज टर्म्स द कंसिडरेशन विच वेड विथ इट वाइल टेकिंग द प्रोक्योरमेंट डिसीजन।
तो जो भी जो प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है जो स्टेजेस है वो क्लियरली रिकॉर्डेड होना चाहिए कि कब बीडिंग को इनवाइट किया जाएगा, बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है, कैसे बेसिकली फाइनली बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ये पूरा सभी रिकॉर्डेड होगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन आगे आगे कंप्लीट शेड्यूल, एक शेड्यूल कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए कि कब बीडिंग बेसिकली इनवाइट तो कर दिया गया मगर कब बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, क्या ओपनिंग डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, क्या क्या प्रोसीज्योर है, किस तरीके का मेथड को फॉलो किया जाएगा बेसिकली फाइनली जो बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा और फाइनली बेसिकली प्रोक्योरिंग अथॉरिटी ये चूज करेगा कि इसी बीडर से पर्टिकुलर गुड को प्रोक्योर किया जाएगा। तो एक कंप्लीट शेड्यूल साइकिल होता है कि बीड ओपनिंग डेट, बीड क्लोजिंग डेट और जो भी अदर प्रोसीज्योर है वो क्लियरली वो उसका एक कंप्लीट शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो वही है कंप्लीट शेड्यूल और प्रोक्योरमेंट साइकिल फ्रॉम डेट ऑफ इशूइंग द टेंडर, जब टेंडर इशू होगा ओके उसी में क्लियरली मेंशन होगा फ्रॉम डेट ऑफ इशूइंग टेंडर टू डेट ऑफ इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पब्लिश्ड व्हेन द टेंडर इज इशूड, जब टेंडर इशू होगा और जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा उसके अंदर जो भी जो जो डेट में ओके जो जो डेट में जो भी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा उसमें एक कंप्लीट शेड्यूल बना दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शैल प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शैल प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होने से पहले एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान को एक्चुअली बेसिकली उसको बना देना है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड द सेम शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट, ये भी वेबसाइट में भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंसर्न मिनिस्ट्री है उसका वेबसाइट में भी उसको प्लेस करना है। तो जस्ट मैंने जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है वो उसको प्रिपेयर कर देना चाहिए और उसको वेबसाइट में अपलोड कर देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, रूल 145 को आएंगे, अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, ये कौन सा अथॉरिटी के पास एक्चुअली पावर है जो वो गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है, एन अथॉरिटी व्हिच इज कॉम्पिटेंट, एन अथॉरिटी व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर मे सैंक्शन द पर्पोज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स फॉलोइंग द जनरल प्रोसीजर कंटेंड इन द फॉलोइंग रूल्स। तो इसमें दिया है एक्चुअली जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है और वो एक्चुअली गवर्नमेंट मनी को खर्च करेगा, इट मीन्स द अथॉरिटी हु हैज पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसके पास फाइनेंशियल पावर है तो वही गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है, राइट। तो ये रूल 145 में है, तो जिस अथॉरिटी के पास आपको याद रखना है जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली फाइनेंशियल पावर है और वो बेसिकली जो गवर्नमेंट का मनी है उसको खर्च कर सकता है बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो उसके पास पावर है वो गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है सिमिलरली फॉर टू डील विद द पब्लिक और फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, राइट। चलो रूल 147, पावर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जेम पोर्टल में क्लियरली मेंशन है। ये अमेंडमेंट के बाद एक्चुअली बेसिकली रूल को थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है, क्या है रूल 147 में ये मेंशन है कि कंपल्सरीली ऑल द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज दे मस्ट परचेज द गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल, जेम पोर्टल से गुड्स को प्रोक्योर करना है, यदि जेम पोर्टल में नहीं है तब वो खुद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है वो खुद प्रोक्योर कर सकता है, ठीक है, मगर कंपल्सरीली इट इज़ कंपल्सरी इट इज़ मैंडेटोरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू परचेज गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल, इफ गुड्स आर नॉट अवेलेबल देन द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी हैविंग पावर टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, वही चीज़ दिया है। तो यहाँ पर दिया है जो कॉमन बेसिकली कॉमन यूज गुड्स, तो जो भी कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज है वो तो जेम पोर्टल में है,
तो अभी तो ये मैंडेटरी हो गया, जो भी जेम पोर्टल में कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज है तो प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको वहाँ से खरीदेंगे। तो भाई ये कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरीली थ्रू जेम एज पर रूल 149। रूल 149 बेसिकली जेम पोर्टल के ऊपर है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के ऊपर है। तो वहाँ पर अभी क्लियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रूल 147 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जेम में, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल। इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल देन फ्रॉम आउटसाइड दे कैन प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू टेंडर, राइट। रूल 149 ये अभी जेम पोर्टल के ऊपर आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट जो ई है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जेम, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश द जेम, ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। तो कभी कभी जेम का जो डेफिनेशन कोई आपको पूछ सकता है, जो गवर्नमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज ए कम्प्लीटली पेपरलेस, इज ए कम्प्लीटली पेपरलेस कैशलेस एंड सिस्टम ड्राइवन ई मार्केट प्लेस दैट एनाबल्स प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, इट इज़ कम्प्लीटली बेसिकली पेपरलेस है कि कैशलेस, एक सिस्टम ड्राइवन इकोनॉमी है जो बेसिकली प्रोक्योरिंग एंटिटीज दे कैन प्रोक्योर कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो जेम एसपी भी है, गवर्नमेंट ई मार्केट स्पेशल पर्पोज व्हीकल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पोज व्हीकल, जेम एसपी भी आपको याद रखना है। पहले डीजीएस एंड डी था, अभी जेम एसपी भी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पोज व्हीकल, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। ये एक ऑटोनोमस जो कंपनी है जेम एसपी भी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है विल एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियडिक एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर थ्रू जेम फॉर द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स। तो जेम एसपी भी पीरियडिकली वो एडवर्टाइज करता है कि इस तरीके का गुड्स जेम पोर्टल में अवेलेबल है और बेसिकली रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और उनसे गुड्स को प्रोक्योर करना है और इसका काम है एडिक्वेट एडवर्टाइजमेंट वो करता है जेम एसपी भी, ओके, और सप्लायर्स को भी रजिस्टर्ड करता है, राइट। उनका क्रीडेंशियल्स को चेक करके सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करता है और एडवर्टाइज करता है कि यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी क्वालिटेटिव कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन जेम पोर्टल, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू परचेज द कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल, राइट। नेक्स्ट वन, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन जेम। अब मैं ये तो बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी गुड्स एंड अवेलेबल जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में है, तो अभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उस वो वही पोर्टल से परचेज करेंगे, अभी मैं बता चुका हूँ जो रूल 147 में क्लियरली मेंशन है। देन द क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम शैल बी सर्टिफाइड बाय जेम एसपी भी। जो भी सप्लायर्स बेसिकली जेम पोर्टल में सप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका क्रीडेंशियल्स जेम एसपी भी चेक कर चुका है, क्रीडेंशियल उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि वो ठीक टाइम में गुड्स को डिलीवरी करेंगे कि नहीं, राइट। तो पूरा उनका क्रीडेंशियल्स को चेक कर चुका है जेम एसपी भी, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है जेम पोर्टल में। देन द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। तो जो भी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी वो वहाँ पर जेम पोर्टल में कंपेयर करके जो भी रीजनेबल प्राइस होगा, रीजनेबल प्राइस में वो गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है। नेक्स्ट वन, द जेम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बायर्स फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजेज अंडर। तो कैसे होगा, जो अमाउंट दिया है, फर्स्ट वन अप टू ₹25,000, यदि ऐसा कुछ गुड्स को प्रोक्योर करना है अप टू ₹25,000, कोई भी जो भी जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड सप्लायर है, कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से उसको प्रोक्योर किया जा सकता है, और इट इज़ अप टू ₹25,000 कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर, एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन जेम मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। और उसके पहले आप परचेज करने से पहले आप पर्टिकुलरली गुड्स का क्वालिटी को चेक करना है, उसका स्पेसिफिकेशन को देखना है, ठीक है, और उसका डिलीवरी पीरियड क्या है, कितना दिन में टाइमली डिलीवरी होगा कि नहीं, ये सब चेक करना है। कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से हम प्रोक्योर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो लिमिट आ गया,
इट इज़ अबोव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000। ये जो जेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिमिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अबोव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000। यदि वर्थ ऑफ गुड्स, जो गुड्स का वैल्यू जो अबोव 25,000 होगा एंड अप टू 5,00,000 होगा थ्रू द जेम सेलर, एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करना है। कि जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनमें से 3 एटलीस्ट मीन मिनिमम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करना है, और जो भी लीस्ट प्राइस में गुड्स को सप्लाई करेगा उससे प्रोक्योर करना है, राइट। तो भाई ये थ्रू द जेम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंग्स द अवेलेबल सेलर पर एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट 3 है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मिनिमम 3 सप्लायर्स को डिटेक्ट करना है और उनका प्राइस को एनालाइज करना है, और ऐसे भी तो स्पेसिफिकेशंस को चेक करना है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, डिलीवरी पीरियड तो चेक करना है, और उनका प्राइस को चेक करना है, जो भी लिस्ट प्राइस में देगा उसी से कमोडिटी को प्रोक्योर करना है, ठीक है। ये अबोव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000। नेक्स्ट है अबोव ₹5,00,000 थ्रू द सप्लायर हैविंग लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड आफ्टर मैंडेटोरीली ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग। इसके याद रखिए, ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल, रिवर्स ऑक्शन टूल एक होता है RA, इसको कहा जाता है। तो अबोव ₹5,00,000 जब एक प्रोक्योरिंग एंटिटी वो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है और उसका वैल्यू मोर देन 5,00,000 है, तब वो ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन टूल के द्वारा वो गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है। मगर यहाँ पर जो है जो लिमिट है ये तो अमेंडमेंट के बाद ये है। बेसिकली पहले जो था एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर करेंट लिमिट ऑफ 30,00,000 विल कंटिन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ऑटोमोबाइल्स में जो करेंट लिमिट 30,00,000 से ओनली, आपको याद रखना है ऑटोमोबाइल्स केस में 30,00,000 है। अदर केस में अबोव ₹5,00,000 मीन्स हम ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल जो RA टूल है उससे प्रोक्योरिंग एंटिटी गुड्स को प्रोक्योर करेगा। उसका एक एग्जाम्पल रिवर्स ऑक्शन टूल के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, आप क्लियर हो जाएंगे कि रिवर्स ऑक्शन टूल क्या है। कभी कभी आप सपोज इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं ये जो लिमिट जेम पोर्टल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबोव ₹5,00,000 हम ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन टूल में परचेज करेंगे तो कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, एक एग्जाम्पल दे दिया। सपोज आप 4 बिडर्स को सिलेक्ट किया, आप 4 बिडर्स को सिलेक्ट कर दिया, राइट। आप 4 बिडर्स को, राइट, अब देख लीजिए 4 बिडर्स को आप सिलेक्ट कर दिया, तो ए बी डी एंड एफ जो बिडर्स है, ए बी डी एंड एफ, तो 4 बिडर्स को आप सिलेक्ट कर दिया, बट ए कुड नॉट गेट द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ए का लिस्ट प्राइस है, सपोज आप 4 बिडर्स को सिलेक्ट किया ए बी डी एंड एफ, और उसका जो बिडर ए है उसका लिस्ट प्राइस कोटेशन है, वो जो प्राइस शेड्यूल दिया है, वो जो प्राइस कोटेशन दिया है उसका लिस्ट प्राइस है, फिर भी हम ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ए को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा रिवर्स ऑक्शन टूल में। फर्स्ट हम आप क्या करेंगे, जो सप्लायर्स है आप यहाँ पर जो इमेजिनरी में बता दिया फोर्स, ऐसा नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी कितना भी बिडर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। एक एग्जाम्पल में दे दिया इमेजिनरी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये नहीं है कि मैंडेटरी 4 है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मेरा जो एग्जाम्पल में मैं ले लिया कि मैं 4 बिडर को फाइनली सिलेक्ट किया, आप 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, मैं अभी 4 बिडर्स को सिलेक्ट किया, और उसमें देख कंपेयर किया कि जो बिडर ए का लिस्ट प्राइस कोटेशन है फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, ओके, जो रिवर्स ऑक्शन टूल के हिसाब से, फिर क्या होगा ना, कंडक्टेड रिवर्स ऑक्शन फॉर कॉम्पिटेटिव प्राइस। यहाँ पर तो हम 4 बिडर्स को सिलेक्ट कर दिए और जो बिडर ए था उसका लिस्ट प्राइस कोटेशन था, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, फिर एक कॉम्पिटेटिव प्राइस के लिए अभी हम चले गए रिवर्स ऑक्शन को, तो ये क्या होता है ना, फिर क्या हुआ, जो सिलेक्टेड बिडर्स है उनको बोला गया कि आप अगेन आपका प्राइस कोटेशन दो, एक आप उनका टाइम और डेट दे दिया गया कि इसी डेट और टाइम के अंदर आप फिर आपका प्राइस कोटेशन दे दो। पहले वो कोटेशन दिए थे, पहले कोटेशन में ए का लिस्ट प्राइस था मगर ए को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, हम रिवर्स ऑक्शन में चले गए थोड़ा कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए, फिर वो सिलेक्टेड बिडर्स को ए बी एंड डी, ए बी डी एंड एफ मेरा जो एग्जाम्पल में, उनको फिर बोल दिया गया इसी डेट एंड टाइम के अंदर फिर आपको प्राइस कोटेशन देना है, फिर हम वो प्राइस कोटेशन को एवैल्यूएट करेंगे और जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसको दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट।
तो यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली जो सेकेंड टाइम जो सिलेक्टेड बीडर्स ने प्राइस कोटेशन दिया उसको हम एनालाइज करने के बाद चेक किया कि जो बेसिकली बीडर डी था उसका लिस्ट प्राइस रहा। पहले जो बीडर ए था, ठीक है, हम जब बीडर्स को पहले इनिशियल स्टेज में हम सिलेक्ट किए फोर बीडर्स को, तो उसमें जो बीडर ए था उसका लिस्ट प्राइस था, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। फिर हम थोड़ा कंपटीशन को बढ़ाने के लिए रिवर्स ऑक्शन को आ गए। फिर जो सिलेक्टेड बीडर्स को बोल दिया गया कि आप फिर प्राइस कोटेशन सबमिट करो, उनको स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दे दिया गया। फिर उनका जो प्राइस कोटेशन को एनालाइज करने के बाद बीडर डी का जो प्राइस था लिस्ट था, तो अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डी को दे दिया गया, ए को नहीं दिया गया, क्योंकि ए पहले जब हम सिलेक्ट किए ना ए का लिस्ट प्राइस कोटेशन था। मगर अभी कंपटीशन के बाद जब रिवर्स ऑक्शन आ गया उसके बाद जो हम फिर नया कोटेशन मांग लिया उसमें हम कंपेयर करने के बाद देखा जो बीडर डी है उसका लिस्ट प्राइस है, तो यही है रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन और कुछ देखेंगे भाई जेम पोर्टल के ऊपर। द इनवाइटेशन फॉर द ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन विल बी अवेलेबल टू ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स, और अदर सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल एंड हु हैव ऑफर्ड देयर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द पर्टिकुलर गुड प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन बिडिंग होगा कि जो रिवर्स ऑक्शन होगा, जो भी एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है और जो भी अदर सेलर्स वो बेसिकली जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड किया है और उनके पास वो गुड है, वो भी ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन जो टूल है उसमें वो एक्चुअली उनको भी इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग सेलर्स थे और अभी जो अदर सेलर्स को रजिस्टर कर दिया गया उनको भी मौका दिया जाएगा और वो ऑनलाइन बिडिंग में और जो रिवर्स ऑक्शन टूल है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, द अबोव मेंशन मॉनेटरी सीलिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेजेस मेड थ्रू जेम, फॉर परचेजेस इफ एनी। जो अबोव लिमिट था जो अप टू रुपीज 25,000, ये मोर देन 25,000 अप टू 5 लाख, ये जो लिमिट था ना ये ओनली जेम पोर्टल के लिए था। ओके, वही ये दिया है, बट फॉर परचेजेस इफ एनी आउटसाइड जेम रिलेवेंट जी एफ आर रूल अप्लाई किया जाएगा। ये जेम पोर्टल के लिए जो लिमिट था अप टू रुपीज 25,000, सेकेंड था अबोव रुपीज 25,000 टू 5 लाख एंड थर्ड था अबोव 5 लाख, ये जो लिमिट था ओनली आप जेम पोर्टल से परचेज करेंगे तो ये लिमिट को फॉलो करना है। आप आउटसाइड से परचेज करेंगे तब जो जनरल फाइनेंशियल रूल जो रिलेवेंट रूल्स है उसको अप्लाई किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, बिट वी आई, द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शैल वर्क आउट देयर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन आइदर ओपेक्स मॉडल, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, उसके बाद भी डिस्कस करूंगा ओपेक्स मॉडल क्या है और कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल एज पर देयर रिक्वायरमेंट और सुइटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट एंड शैल प्रोजेक्ट देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन जेम पोर्टल, ओके, विद इन 30 डेज ऑफ द बजट अप्रूवल। जब बजट अप्रूवल के बाद 30 डेज के अंदर वो जेम पोर्टल से उनका जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान के हिसाब से वो गुड्स को परचेज करेंगे। और यहाँ पर जो ओपेक्स जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, जो बेसिकली जो भी आइटम्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आता है, जो हम एक्सपेंडिचर जो भी गुड्स के ऊपर करते हैं वो उसी ईयर में उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको ख़त्म करना है। जैसे ए फोर साइज पेपर है कि सपोज जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी ऑफिशियल आइटम्स चाहिए उसी फाइनेंशियल ईयर में हम ख़त्म करेंगे, उसके ऊपर जो खर्च होता है उसको एक्चुअली ओपेक्स मॉडल व ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल कहा जाता है। और जो कैपेक्स मॉडल है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल क्या है, ऐसा कुछ असेट्स हम खरीदेंगे जिसको प्रोलॉन्ग टाइम्स और जिसको पेरिनियल टाइम्स हम यूज़ करेंगे, ओके, वो कैपेक्स मॉडल है। आप थोड़ा देख लीजिए ये ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल को, मैं आगे भी डिस्कस कर दूंगा। द गवर्नमेंट बायर्स में असर्टन द रीजनेबलनेस ऑफ प्राइस बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर यूजिंग द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल अवेलेबल ऑन जेम। तो आपको जेम पोर्टल से जब आप खरीदोगे उसके पहले आप प्राइस को चेक कर देना है। फर्स्ट बिजनेस एनालिटिक्स टूल जो है जेम पोर्टल में, उसमें आप एक्चुअली पास्ट प्राइस, जो भी गुड को आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका पास्ट प्राइस को चेक करना है कि कौन सा प्राइस में आप खरीदे थे, और लास्ट परचेज प्राइस ऑन जेम
इंक्लूडिंग द लास्ट परचेज प्राइस ऑन जेम कि डिपार्टमेंट्स ओन लास्ट परचेज प्राइस। तो जो भी कमोडिटी को आप प्रोक्योर करना चाहते हो, प्रोक्योर करने से पहले जेम पोर्टल से, उसके पहले आप आपका जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो उसका ओन लास्ट परचेज प्राइस को चेक करना है। और जो बिजनेस जो एनालिटिक्स टूल है जेम पोर्टल में, उससे उसको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर कौन सा प्राइस से वो प्रोडक्ट को ख़रीदा गया था। ये इसको चेक करने के बाद आप खरीदोगे, क्योंकि हमको रीजनेबल प्राइस में ख़रीदना है, ज़्यादा प्राइस से नहीं, राइट। नेक्स्ट वन, ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज, शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मिल परचेजेस टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट थ्रू L1 बाइंग और बीडिंग और रिवर्स ऑक्शन ऑन जेम और द नेसेसिटी ऑफ ऑप्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड विथ रिफरेंस टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टोटल डिमांड। इसमें जो भी है, जो भी गुड्स को हम प्रोक्योर करेंगे उसको एक्चुअली डिवाइड नहीं किया जाएगा। और L1 बाइंग क्या है, हम बेसिकली लोएस्ट प्राइस को ध्यान देते हैं, जो भी खरीदेंगे लोएस्ट प्राइस से हम खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो भी गुड्स हम खरीदेंगे उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा स्मॉल क्वांटिटीज़ में, कि अभी एक छोटा क्वांटिटी में खरीदेंगे और आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम गैप फिर एक छोटा क्वांटिटी खरीदेंगे, ऐसे नहीं होगा। और अभी चलेंगे जो ओपेक्स मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इसको कहा जाता है, ओपेक्स मॉडल। मैं अभी बताया था जो भी आइटम्स को हम खरीदेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको ख़त्म किया जाएगा। जो भी हमारा ऑफिसेस में जो भी आइटम्स को खरीदा जाएगा और इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, हम उसको बेसिकली उसी ईयर में व उसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कंज्यूम करेंगे, ओके। तो वही है, आर द फंड्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन आर द फंड्स एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू रन इट्स डे टू डे बिजनेस। ओपेक्स आइटम्स आर जनरली यूज्ड अप विद इन द ईयर। मैं अभी बताया था जो ओपेक्स आइटम्स है उसको सेम फाइनेंशियल ईयर में हम कंज्यूम करेंगे, विद इन से दे आर परचेस्ड कंज्यूमेबल्स, जो जिसको हम कंज्यूमेबल, आप देखा होगा कंज्यूमेबल रजिस्टर नॉन कंज्यूम, तो कंज्यूमेबल रजिस्टर उसको कंज्यूम किया जाएगा, मगर उसमें क्या है, उसमें जो होगा उसको उसका पीरियड मेंशन किया जाएगा, उसी पीरियड के अंदर उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो कंज्यूमेबल्स सच एज प्रिंटर कैटराइजेस पेपर एंड अदर सप्लाइज आर ऑलवेज परचेस्ड अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट। तो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे प्रिंटर हो चाहे कैटरेज पेपर एंड अदर सप्लाइज, ये सब उसी बेसिकली विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको कंज्यूम करना है। और जो भी ऑफिशियल आइटम्स होता है हम उसी ईयर इसको कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूमेबल आइटम्स उसका पीरियड होता है 2 ईयर्स की 3 ईयर्स के अंदर उसका लाइफ स्पान होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हो गया, चाहे प्रिंटर हो चाहे उसका कैटराइज हो चाहे पेपर हो एंड अदर सप्लाइज, ओके, उसका टाइम लिमिट होता है उसको हम कंज्यूम करने के लिए, तो उसके ऊपर जो खर्च होता है वही ओपेक्स मॉडल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बेसिकली कैपेक्स मॉडल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली फिजिकल गुड्स के ऊपर होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है पी पी एंड ई प्रॉपर्टी, उसको कहा जाता है, जो पी पी एंड ई प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पी पी एंड ई प्रॉपर्टी, राइट, पी पी एंड ई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो बेसिकली फिजिकल गुड्स होता है, जो फिजिकल असेट्स हमको चाहिए ऑफिस में कि डिपार्टमेंट में, और उसका लाइफ स्पान होता है प्रोलॉन्ग टाइम्स, उसको रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं, तो वो कैपेक्स मॉडल बेसिकली फिजिकल गुड्स। तो यहाँ पर अल्टरनेट नेम में आता है पी पी एंड ई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स सच एज इम्प्रूवमेंट व्हीकल्स इक्विपमेंट्स और लैंड, ये सब चीज़ जो है जो फिजिकल गुड्स है उसके ऊपर जो हम खर्च करते हैं उसको वो कैपेक्स मॉडल के अंदर आता है, राइट। तो चलो, रूल 150 रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स, ये लास्ट रूल है आज का वीडियो का, फिर सेकेंड पार्ट जब आएगा फिर नेक्स्ट रूल से हम डिस्कस करेंगे। तो रूल 150 रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो JMSPB के ऊपर तो आपको नॉलेज हो चुका है कि बेसिकली JMSPB में बेसिकली सॉरी जो जेम पोर्टल है उसमें जो JMSPB है वो जो एक लिमिटेड कंपनी ऑटोनोमस कंपनी है जिसको गवर्नमेंट पावर दिया है, उसका काम है वो सफिशेंटली एडवर्टाइज़ करेगा, ठीक है, कि ये आइटम्स जेम पोर्टल में है और
प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ को जेम पोर्टल से कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, ठीक है। और जेम एसपीबी जो भी सप्लायर्स है जेम पोर्टल में, उनका क्रीडेंशियल्स को चेक कर चुका है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कि वो डिलीवरी ठीक टाइम में करेंगे कि नहीं, ये सब चीज़ वो चेक कर चुका है ऑलरेडी। ओके, क्रीडेंशियल्स को चेक करके उनको रजिस्टर किया है, राइट। नेक्स्ट वन, हेड ऑफ द मिनिस्टर डिपार्टमेंट, अभी मैं बताया था कि रूल 147 में है, जो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल में है ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ को उससे खरीदने के लिए जेम पोर्टल से। यदि जेम पोर्टल में नहीं है तो ये पावर है कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को कि वो आउटसाइड से टेंडर से वो खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर भी सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर सप्लायर्स को चेक करना है, सपोज आउटसाइड से खरीदना है आपको थ्रू टेंडर, तो सप्लायर्स बेसिकली उसका पास्ट एक्सपीरियंस की, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी की, वेदर द पर्टिकुलर सप्लायर डिलीवरी द कमोडिटी इन टाइम और नॉट, ये सब चेक करना है और रजिस्टर्ड करना है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर शुड बी डन फॉलोइंग ए फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीज्योर आफ्टर गिविंग ड्यू पब्लिसिटी। आपको यदि सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करना है तब जो भी प्रोसीज्योर है वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिसिटी भी होना चाहिए कि हमको कुछ सप्लायर्स चाहिए, हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट में हम रजिस्टर्ड करेंगे और उनसे फ्यूचर में हम उनमें से गुड प्रोक्योर करेंगे। तो सच रजिस्टर्ड सप्लायर शुड बी ऑन जेम आज एंड व्हेन द आइटम और सर्विसेज गेट लिस्टेड ऑन जेम। तो वो क्या है, यदि क्या है, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है तो कब हम आउटसाइड से परचेज करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है तब हम आउटसाइड से परचेज करते हैं, तब कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और उनको भी हम जेम पोर्टल में लेकर रजिस्टर्ड कर देंगे और ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज को हम जेम पोर्टल से खरीद सकते हैं। अभी हम आउटसाइड से टेंडर से खरीद रहे हैं और जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास वो क्या करेगा, उन सप्लायर्स को लेके जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड कर देगा और वो फिर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करना है क्रीडेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, पास्ट परफॉर्मेंस, आफ्टर सेल सर्विस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सब चेक करना है। अब द सप्लायर शुड बी केयरफुली वेरीफाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पहले आपको ये सब चेक करना है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, आफ्टर सेल सर्विस जो वारंटी गारंटी पीरियड है वहाँ पर वो कैसे सर्विस देंगे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा केयरफुली हम स्टडी करने के बाद उनको हम रजिस्टर करते हैं। वहाँ पर जेएमएसपी भी करता है और जब हम आउटसाइड से खरीदते हैं बेसिकली कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आउटसाइड से खरीदता है तब ये सब चेक करके वो सप्लायर्स को रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर ए फिक्स पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा बिटवीन 1 to 3 years, ये जो 1 to 3 years होता है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। बेसिकली जो सप्लायर्स रजिस्टर्ड होंगे ना 1 to 3 years होते हैं, और ये 1 to 3 years जो है वो कैसे उसको कि 1 year है कि 2 year है कि 3 year है, ये कैसे कौन सा पैरामीटर लिया जाता है, तो बेसिकली नेचर ऑफ द गुड्स को देखकर एक्चुअली सप्लायर्स को रजिस्टर्ड किया जाता है और रजिस्ट्रेशन एक्चुअली मैक्सिमम 3 years के लिए, तो बेसिकली इसके लिए दे दिया बिटवीन 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स। जब एंड हो जाएगा फिर वो सप्लायर्स को फिर रजिस्टर्ड करना है, वो फिर वो सप्लायर अप्लाई करेगा और फिर उसको रजिस्टर्ड करना है। ओके, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड द रजिस्टर्ड सप्लायर्स विलिंग टू कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन आर टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, न्यू सप्लायर्स भी वहाँ पर आ सकते हैं, न्यू सप्लायर्स में ऑल्सो भी कंसिडर फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो जो 1 to 3 years पीरियड खत्म होने के बाद, ठीक है, वो फिर फ्रेश अप्लाई करेंगे सप्लायर्स, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन के लिए, और वहाँ पर भी न्यू सप्लायर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर इज टू बी वॉच्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, आपको देखना है
उनका परफॉर्मेंस को, उनका सर्विस को, कि ठीक तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ओके ठीक तरीके से वो सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, इसका काम है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसको चेक करना है। द रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर लाइबल टू बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स इफ दे फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर्स को रिमूव कर सकते हैं यदि कोई अबनॉर्मलिटीज हम डिटेक्ट किया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को वो डेविएट किए, हम उनको रिमूव, हम जो रजिस्टर्ड सप्लायर से उनका लिस्ट से हम रिमूव कर सकते हैं, और वो ठीक टाइम में सप्लाई नहीं कर रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई उसको डेविएट किया, और ये जो है फेल टू सप्लाई, जो कंडीशन फेल टू सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन टाइम, तो इस केस में कि फॉल्स डिक्लेरेशन कुछ कर दिया था, हमको पता नहीं था कि एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी को वो सप्लाई कर रहा था और वहाँ पर फॉल्स डिक्लेरेशन किया था, अभी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब मामले में उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम में आएगा ऑप्शंस आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस वो डेविएट करेंगे, सब स्टैंडर्ड गुड्स को सप्लाई करेंगे, जो एग्रीमेंट के हिसाब से था उस हिसाब से वो गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे, इन्फीरियर गुड्स को सप्लाई करेंगे, और कभी कभी कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दे दिया है, ठीक है, और टाइमली वो गुड्स को डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो उस केस में उनको बेसिकली रजिस्टर्ड लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन है, द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट बी एग्जिबिटेड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी और ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। जो भी सप्लायर्स को कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड करेंगे, तो उनका जो रजिस्टर्ड लिस्ट है वो उनका वेबसाइट में शो करेगा, और आप जेम पोर्टल जो है वहाँ पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज जो आउटसाइड से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं टेंडर के हिसाब से, वहाँ पर भी वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हैं उनका भी लिस्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली 142 टू 150 अमेंडमेंट के बाद ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो सेकेंड पार्ट डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल आई विल ब्रिंग द सेकेंड पार्ट। सो प्लीज़ माई फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट, प्लीज़ कमेंट इट, सो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट आई रेक्टिफाई माई सेल्फ। सो थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।